खासकर नीचे करो ब्रो, यहाँ पर वक्फ बोर्ड को आकर चेयरमैन साहब से नुमाइंदगी की गई है कि इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्क कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने TRS का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड, जितने भी हमारे पास जितने भी फिरके है जैसा कि जमात तबलीगी जमात के शिया भाइयों के लिए इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी उसकी आप जल्द से जल्द हल अलाट कर कर सबको 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था, जियो है उसके और ख़ास कर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है KCR साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हजोज के बाजू की प्रॉपर्टी है जो गुस्सा में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ, और ख़ासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है मैं उसके ताल्लुक से भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जिस उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है, जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम करके मैं देखा हूँ तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पर देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेम्बर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पर दिया जाता है, और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज़ छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अगर टिमरीज किसी से ली है तो मैं DMO साहब से RTI डालकर भी निकाल के चेक करें हैं मालूम करें हैं ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ मुताबला करता हूँ खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है MRO अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए, ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीज़ा हकीकी फरीज़ा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ बचाए और ऐसे चीज़ों में आगे बढ़कर आए, भला ही TRS बोल के नहीं कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया।